Hello students, we were doing chapter number 12. So now we are going to start with our topic, that is electric switch. It is not possible to manually hold electric wires in contact with the electric cell, when you need to light or remove it when you need not. अगर आपको इलेक्ट्रिक स्विचेस के बारे में जानना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वायर्स को, जैसे ये वायर्स हैं, हम इनको खुद ही जोड़ें और हटाएं हर बार, ये ज़रूरी नहीं और हर बार ये अच्छा भी नहीं है, करंट भी लग सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक स्विच, जो क्या काम करता है, देखिए, मेकिंग, जोड़ना और ब्रेकिंग, तोड़ना, किसको, इलेक्ट्रिक सर्किट को। या तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ देगा या इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ देगा। जब जोड़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, जब तोड़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक स्विचेस आर यूज्ड एट होम टू स्विच ऑन और ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, फैंस एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. Stopping and starting of the flow of electric current is controlled by an switch. अभी बताया ना, अगर आपने स्टार्ट करना है तब भी आपको स्विच की ज़रूरत है, अगर स्टॉप करना है तभी आपको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी. हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक स्विच, आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है, देन यू आर गोइंग टू प्लेस अ सेफ्टी पिन ऑन इट. इस सेफ्टी पिन को यहाँ पे रखना. आप सेफ्टी पिन ध्यान से सुन लीजिए, ये एक मेटल है, तो मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करेगी. तो क्या होगा, अगर आप स्विच का कनेक्शन करना चाहते हैं, मतलब इस पिन को आप दूसरी साइड ऑफ टर्मिनल के साथ जोड़ दें, जब आप इनको जोड़ देंगे इस तरीके से, ये जुड़ जाएगी, कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा, तो बल्ब ग्लो करेगा. जब आपने इस पिन को नहीं जोड़ा तो क्या हो जाएगा, सर्किट जो है वो ओपन रहेगा और ओपन सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो एक्टिविटी जो है यहाँ पर एक पहले शो की गई है, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ों से टेस्ट करना होगा. आपने बैटरी लगाई है, वायर लगाया है, बल्ब लगाया है, ओके, और बीच में आपने एक सब्सटेंस रखती है जिसको आपने टेस्ट करना है. अगर तो ये सब्सटेंस कुछ ऐसा हुआ जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकेगी तो इसे हम कंडक्टर बोलेंगे. अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो बल्ब ग्लो करेगा. अदरवाइज अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इज इट क्लियर? सो जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देंगी, आपने यहाँ पर लिखना है बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं. ग्लास के साथ करेगा, नो, ओके. सेम इज द केस, आयरन की के साथ करेगा, येस. तो आपको ये देखना है किसके साथ बल्ब ग्लो करेगा एंड किनके साथ बल्ब ग्लो नहीं करेगा. नाउ कंडक्टर्स आर द मटीरियल्स विच अलोज द करंट टू पास थ्रू देम, और इंसुलेटर्स क्या है, विच डू नॉट अलो द करंट टू पास थ्रू देम. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. वी नीड बोथ ऑफ देम फॉर आवर सेफ्टी पर्पसेज. वी यूज द इंसुलेटर्स मोस्टली. जितने भी वायर्स हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, हर वायर के ऊपर स्विच बोर्ड्स बने होते हैं, स्विचेस हैं, सॉकेट्स हैं, प्लग्स हैं, ये सब इंसुलेटर्स के बने हैं. अगर आप कभी भी किसी बेयर वायर को, बेयर वायर वो वायर है जिसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं होगी, वो हट चुकी होगी, तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. दैट इज़ वाई वायर्स आर कोटेड एंड कवरिंग उसकी इंसुलेटिंग मटीरियल से की जाती है, लाइक प्लास्टिक. इंसुलेटिंग मटीरियल वो मटीरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. यू मस्ट हैव सीन इलेक्ट्रिक पोल्स इन योर लोकेलिटी, जिनमें इलेक्ट्रिक वायर्स लगी होंगी. वो वायर्स जो हैं, वो वायर्स बनी हैं एल्युमिनियम की, जिनमें हाई वोल्टेज होती है और हमें उनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए. कंडक्टर्स आर मेड अप फॉर कैरिंग द इलेक्ट्रिसिटी, वाइल इंसुलेटर्स आर मेड फॉर सेफ्टी यूजेस, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी. हैंस बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अस. Your body is also a conductor of electricity. Therefore, be careful when you handle any electrical appliances. Be careful कि आप किस तरीके से उसे handle कर रहे हैं. You might have seen the danger sign like this on electric poles, electric substations और many other places. ये इसलिए होता है ताकि लोगों को warn किया जाए कि electricity बहुत dangerous है अगर उसे आप हैंडल नहीं करते प्रॉपरली. केयरलेसनेस हैंडलिंग में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की करते हो तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है. इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सिवियर इंजरीज कर सकते हैं, समटाइम्स इवन डेथ भी हो सकती है. हैंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स. ऑल्सो रिमेंबर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय अ पोर्टेबल जनरेटर इज इक्वली डेंजरस. ओके, यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी आपने एक्टिविटीज़ करनी है, आपने घर पे एक्सपेरिमेंट करना है या कुछ भी, तो आप इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। टिप्स फॉर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, स्विच ऑफ द फैंस, लाइट्स जब यूज़ में नहीं है, सनलाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मैक्सिमम यूज डे में सनलाइट का करिए। कीप बल्ब्स एंड ट्यूब्स क्लीन टू गेट बेटर लाइट, अगर उनके ऊपर धूल मिट्टी होगी तो आपको अच्छी तरीके से लाइट नहीं मिलेगी। यूज ट्यूब लाइट्स एंड एनर्जी सेवर बल्ब्स इन प्लेस ऑफ फिलामेंट लाइट्स, तो यूज़ लो वोल्टेज की जो बल्ब्स हैं, पावर जिनमें कम यूज़ होती है, कॉरिडोर्स में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर आप कम यूज़ करते हैं। रिमूव द कॉर्ड ऑफ अप्लायंस फॉर द सप्लाई व्हेन इट्स नॉट इन यूज़, अगर आपको कोई अप्लायंस नहीं चाहिए तो उसकी कॉर्ड जो है उसको स्विच बोर्ड में लगाने से अच्छा है उसको निकाल के रखिए। यूज़ कॉपर वायर्स फॉर इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज़्यादातर कॉपर वायर का इस्तेमाल करिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इसके बाद कीज टू रिमेंबर और की टर्म्स जो हैं वो आप खुद रीड करेंगे। एंड आई होप सो ये चैप्टर जो कि बहुत इजी है आपको एकदम समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।